हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हमारा टॉपिक राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित जो समुच्चय हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और हमारा जो ये वीडियो है उसमें राष्ट्रीय आय का जो सिलेबस राजस्थान बोर्ड क्लास 12th हैं उसका बेस्ड है, मतलब उनमें जिन जिन टॉपिक को जितनी डिटेल्स में लिया गया है उतना ही मैंने इसमें इंक्लूड किया है। बाकी इसके अलावा जैसे अन्य बोर्ड हैं उसमें भी इसका यूज़ हो सकता है, लेकिन मेन जो इसको लिया है मैंने राजस्थान बोर्ड सिलेबस इसका से जितनी डिटेल्स हैं उतना ही लिया है, ठीक है। किसी का जैसे शॉर्ट में है तो मैंने शॉर्ट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, विश्व में अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय आय का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, साइमन कुजनेट्स ने। कब किया था? 1934 में, 1934 में साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। भारत के अगर हम बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय आय के जो अनुमान है स्वतंत्रता से पहले, सबसे पहले किसने लगाए थे? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और उसके बाद में जैसे विलियम डिग्बी हैं, फिनले सिराज हैं, डॉक्टर आर के वी राव हैं, इन सभी ने अनुमान लगाए थे। और स्वतंत्रता के बाद में अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? पी सी महल नोबिस, प्रफुल्ल चंद महल नोबिस इसके अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में। और फिर अगर हम देखते हैं तो 1956 से जो राष्ट्रीय आय की गणना है भारत में किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है। CSO जो है वो राष्ट्रीय आय के आंकड़े उपलब्ध कराता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की मुख्य रूप से तीन परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा हमारी मार्शल की है, जो क्या बताते हैं कि एक वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था में जो भी प्राकृतिक संसाधन है उन पर श्रम और पूंजी का प्रयोग करने से जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिसे वो क्या कहता है? भौतिक और अभौतिक वस्तुएं, तो उसी को वो क्या कहता है? राष्ट्रीय आय। मतलब मार्शल की जो परिभाषा है वो उत्पादन प्रधान दृष्टिकोण कही जाती है। दूसरी परिभाषा पिगू की है, जो मौद्रिक दृष्टिकोण कही जाती है, और वो क्या बताते हैं कि राष्ट्रीय समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग होता है जिसे मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है। जिसकी गणना मुद्रा के रूप में की जाती है उसी को उन्होंने राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया है, इसलिए पिगू की परिभाषा को हम मौद्रिक दृष्टिकोण कह सकते हैं, ठीक है, मुद्रा प्रधान है। और तीसरी परिभाषा जो फिशर की है वो उपभोग पे आधारित है। वो क्या कहते हैं कि एक वर्ष की अवधि में लोगों के द्वारा जो अंतिम वस्तुओं सेवाओं का प्रयोग किया जाता है उसी को वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो फिशर की जो परिभाषा है वो हमारी उपभोग प्रधान परिभाषा है। उसके बाद में हम कह सकते हैं, संक्षेप में अगर हम कहें तो राष्ट्रीय आय को हम किससे परिभाषित कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय एक वर्ष के में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, और इसमें विदेशों से प्राप्त साधन आय जिसको हम क्या कहते हैं? NFIA, उसको भी सम्मिलित किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले कि राष्ट्रीय आय जो होती है उसका संबंध किसी देश से होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था से होता है। दूसरा, राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष के आधार पर की जाती है, और उसमें केवल आर्थिक क्रियाओं का मूल्य सम्मिलित किया जाता है, जो उत्पादक क्रियाएँ होती हैं उसी को सम्मिलित करते हैं, अनुत्पादक क्रियाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होता है। फिर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हमने पढ़ी थी उनमें से केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अंतिम वस्तु कौन सी होती हैं? जो उपभोक्ता या उत्पादकों द्वारा अंतिम रूप से प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। और फिर इसकी जो गणना है वो बाजार मूल्यों के आधार पर की जाती हैं। फिर राष्ट्रीय आय से प्रवाह उदाहरणा है, क्यों? क्योंकि इस गणना एक वर्ष के आधार पर की जाती है, और राष्ट्रीय आय का जो मूल्य होता है उसको हम शुद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए घिसावट व्यय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये हमारे राष्ट्रीय आय की विशेषता थी।
अब देखिए राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसके दो आधार प्रचलन में है, ठीक है। एक आधार हमारा होता है भौगोलिक और दूसरा है राजनीतिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा भौगोलिक आधार, ठीक है, कि जब हम क्या करते हैं एक देश की भौगोलिक सीमा की बात करते हैं कि उस देश की भौगोलिक सीमा में कितना उत्पादन हो रहा है। जैसे ये भारत है, ये भारत की सीमा है, तो इस भौगोलिक सीमा में जितना भी उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उसके आधार पर हम गणना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगी, घरेलू आय, ठीक है। अब इस भारत की जो सीमा है उसकी भौगोलिक सीमा, इसमें उत्पादन कौन कर सकता है, चाहे उस देश के निवासी जिसे हम भारतीय लोग कहते हैं, चाहे विदेशी लोग भी हो सकते हैं, विदेशी कंपनियां भी हो सकती हैं। तो भौगोलिक आधार पर जब गणना की जाती है तो उसका अंदर होता, उसका संबंध होता है एक देश की भौगोलिक सीमा में जितना भी उत्पादन होता है और जिसको हम क्या कहते हैं, घरेलू आय कहते हैं। दूसरा दृष्टिकोण होता है राजनीतिक दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत एक देश के जो निवासी हैं उन्हें के द्वारा अर्जित आय को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। राजनीतिक दृष्टिकोण में एक देश के जो निवासी हैं जिनको हम नागरिक कहते हैं, तो एक देश के नागरिकों के द्वारा जो आय अर्जित की जाती है, चाहे उस देश की भौगोलिक सीमा में, ये भारत है तो भारत के अंदर जो भारतीयों के द्वारा उत्पादन किया गया है प्लस भारतीयों के द्वारा पूरे विश्व में अन्य देशों में, ठीक है, विश्व के अन्य देशों में भी भारत के लोग रहते हैं, तो उन भारतीयों के द्वारा जो भी उत्पादन किया गया है विदेशों में उसको भी हम सम्मिलित करते हैं, जिसको हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो दो दृष्टिकोण है आगे समय, जब हम राजनीतिक आधार पर कहते हैं तो इसका मतलब एक देश के नागरिकों के द्वारा जो आय अर्जित की जा रही है, ठीक है, एक देश के नागरिक कहाँ पे होते हैं, उस देश में भी होते हैं और विदेशों में भी हो सकते हैं, देश की भौगोलिक सीमा भी हो सकते हैं और दूसरे देशों की भौगोलिक सीमा में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं, इसी के आधार पर हम अन्य अवधारणाएँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहली अवधारणा हमारी है सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, GDP मार्केट प्राइस, GDP MP। अब देखिए पहली अवधारणा हमारी कौन सी है, घरेलू है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, तो एक वर्ष की अवधि में देश की भौगोलिक सीमा में जो भी उत्पादन होता है कौन सी वस्तुओं का, अंतिम वस्तुओं, ठीक है, उसी का मूल्य सम्मिलित करना है। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, एक वर्ष की अवधि में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को हम क्या कहेंगे, GDP MP, ठीक है। अब हम कह रहे हैं देश की भौगोलिक सीमा, जैसे ये भारत है, ये भारत की भौगोलिक सीमा है, इसके अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है तो ये उत्पादन कौन कर सकते हैं, अपने देश के निवासी भी कर सकते हैं, दूसरे देश के निवासी विदेशी लोग भी हो सकते हैं या विदेशी कंपनियां भी हो सकती हैं, ठीक है, विदेशी लोग विदेशी कंपनियां, भारतीय लोग भारतीय कंपनियां, जो भारत की सीमा के अंदर उत्पादन हो रहा है एक वर्ष की अवधि में उसको हम क्या कहते हैं, GDP मार्केट प्राइस, ठीक है, जितना भी उत्पादन हुआ है उसको उसकी बाजार कीमत से गुणा करके हम क्या निकालेंगे, GDP मार्केट प्राइस, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, GDP MP बराबर C+I+G+X-M। और इसका जो डिटेल है देखो वो आप, हम आगे विधियां पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसमें इसका डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे केवल इतना सा ही ध्यान रखिए कि GDP MP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C+I+G+X-M, और ये क्या क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, सी का मतलब क्या होता है, उपभोग व्यय, आई का मतलब होता है निवेश व्यय, जी का मतलब है सरकारी व्यय और X-M का मतलब है शुद्ध निर्यात व्यय, निर्यात और आयातों का अंतर। दूसरी अवधारणा हमारी है शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। तो देखिए ये जो अवधारणा है इनको पढ़ने से पहले तीन बातें ध्यान रखिए कि जब कोई अवधारणा में सकल और शुद्ध का अंतर होगा, ठीक है, सकल और शुद्ध में जो अंतर होता है वो किस आधार पे होगा, मूल्यह्रास आधार पे। अगर सकल में से हम मूल्यह्रास की राशि को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, शुद्ध आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना था, तो जो हमने अभी सकल घरेलू उत्पाद निकाला था जीडीपी मार्केट प्राइस, उसमें से मूल्यह्रास या जिसको हम कहते हैं घिसावट व्यय, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जीडीपी एमपी माइनस मूल्यह्रास, तो क्या आ जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तीसरी अवधारणा हमारी है सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, पहले हमने पढ़ा था सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, बाजार कीमत मार्केट प्राइस, और दूसरा हमारा है साधन लागत फैक्टर कॉस्ट, दोनों में किस चीज़ का अंतर होता है, एनआईटी जो हमने पहले पढ़ा था पिछले वीडियो में, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इस बाजार कीमत में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है, तो जब हम बाजार कीमत में से एनआईटी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत, कुछ साधनों ने जो बनाया उस पर कितना खर्चा हुआ है, यहाँ यूँ कहें हम कि जो साधन लागत है, साधनों पर जो खर्चा हुआ है, भूमि का किराया, पूंजी का ब्याज, श्रम की मजदूरी, ठीक है, ये सब क्या होती है, साधन लागत। इस पर हम सरकार ने जो टैक्स लगाया है एनआईटी, अगर उसको भी हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, बाजार कीमत, ठीक है। बाजार कीमत में क्या होता है, टैक्स जोड़ा होता है, तो साधन लागत में टैक्स को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, बाजार कीमत आ जाएगा, और बाजार कीमत में टैक्स जुड़ा होता है अगर हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, साधन लागत आ जाएगा। तो अभी हमने जीडीपी एमपी पढ़ा था फर्स्ट, तो उसमें से एनआईटी को माइनस कर दो, या एनआईटी को हम क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो और सब्सिडी को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर को घटा के अनुदान को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, साधन लागत जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, लागत पर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो जो हमने अभी निकाला है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, यदि इसमें से हम डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, या हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है एनडीपीएमपी, अब देखो ध्यान से समझना यहाँ पे, ये हमारे पास में है एनडीपी और ये भी एनडीपी सेम ही है, तो इसका मतलब कि जो हमको चेंज करना है वो कौन कौन सा करना है, इधर हम देखते हैं एफसी और ये हमारे पास में है एमपी, मतलब हमको बाजार कीमत पर दिया हुआ है और हमको ज्ञात करना है साधन लागत पर फैक्टर कॉस्ट पे। तो साधन लागत और फैक्टर कॉस्ट में किस चीज़ का अंतर होता है, अप्रत्यक्ष कर और अनुदान, तो बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर जुड़ा होता है इसलिए उसे घटा देंगे, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया और प्लस क्या कर देंगे, सब्सिडी, तो इससे हमारे पास में आ जाएगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। या फिर दूसरा जो जीडीपी एफसी है उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर दो घिसावट को, तो भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी मार्केट प्राइस पर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में कौन सी अवधारणा आ गई है, राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय का मतलब क्या होगा, एक देश के नागरिकों के द्वारा जो आय अर्जित की जा रही है, ठीक है। यहाँ हम इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं, एक देश के सामान्य निवासियों या नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, जीएनपी मार्केट प्राइस। इसका मतलब जो घरेलू आय हमने ज्ञात की थी जीडीपी मार्केट प्राइस, अगर उसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एनएफआईए को भी जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, जीएनपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। या दूसरा जीएनपीएम को निकालना है तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो ये तो क्या हो गया, जीडीपीएमपी हो गया, और उसमें जो विदेशों से आय मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनएफआईए, इसको भी हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। नेक्स्ट हमारा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर एनएनपी मार्केट प्राइस। तो अब देखिए जो ये हमने पढ़ा है अभी जीएनपी मार्केट प्राइस, तो अब देखिए इन दोनों में किस चीज़ का अंतर है, यहाँ पे सकल है और इधर है शुद्ध, बाकी सेम वही है, राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर बाजार कीमत पर। इसका मतलब दोनों में अंतर किस चीज़ का है, सकल और शुद्ध का, और सकल और शुद्ध में किसका अंतर होता है, मूल्यह्रास का, डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो ये जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमने निकाला था जीएनपी मार्केट प्राइस, उसमें से मूल्यह्रास को घटा देंगे डी डेप्रिसिएशन,
ये सब डिवे को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में एनएनपी मार्केट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे उदाहरण है सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब देखो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट है तो जो हमने जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाला था, अब देखिए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और ये है जीएनपी, तो दोनों में किस चीज़ का अंतर है सेकंड वाले पॉइंट का, नेशनल और डोमेस्टिक का। और नेशनल और डोमेस्टिक घरेलू और राष्ट्रीय में किस चीज़ का अंतर होता है एनएफआईए। तो ये जो घरेलू हैं उसमें हम विदेशों से मिलने वाला, ये क्या हमारा डोमेस्टिक है घरेलू, तो इसमें विदेशों से मिलने वाला जिसको हम क्या बोलते हैं एनएफआईए उसको भी प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा राष्ट्रीय। ठीक है, क्या होता है राष्ट्रीय, घरेलू में विदेशों से जो प्राप्त होता है जिसको हम क्या बोलते हैं एनएफआईए उसको भी प्लस कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। और ध्यान रखना है कि ये जो आठ अवधारणा है उनमें से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या होती हैं राष्ट्रीय आय का माप होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय किसको कहा जाता है इन आठों में से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को कहा जाता है। ठीक है, और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों का योग और जिसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी सम्मिलित की जाती हैं और ये फैक्टर कॉस्ट है इसलिए हम क्या बोल सकते हैं एक वर्ष की अवधि में उत्पादित होने वाली समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन करने के लिए साधनों पर जो राशि व्यय की गई है। ठीक है, साधन लागत है इसलिए साधनों पर व्यय किया गया है हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या हो गया अभी जो हमने निकाला था एनएनपी एमपी, तो देखिए ये भी एनएनपी है ये भी एनएनपी है, दोनों में किस चीज़ का अंतर है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं और प्लस सब्सिडी करते हैं। ठीक है, या फिर एक और फॉर्मूला हो सकता है हमारा जो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, उसमें हम क्या प्लस कर देंगे एन एफ आई ए, और देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है नेट और इधर क्या था ग्रोस, तो यहाँ पे एक और क्या करना पड़ेगा माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, मूल्यह्रास को भी माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन ध्यान रखिए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और ये क्या है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट तो सेम ही है, अंतर चीज किस चीज़ का है नेट और ग्रोस, तो नेट और ग्रोस का डिफरेंस किससे होगा डिप्रिसिएशन से। और दूसरा ये हमारे पास में डोमेस्टिक है घरेलू हैं और हमको चाहिए नेशनल, तो एनएफआई को भी हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें माइनस क्या होगा डिप्रिसिएशन भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो अवधारणा है वो है निजी आय। अभी तक हमने जो आठ अवधारणाएं पढ़ी थी उसमें हम क्या करते हैं कि जो उत्पादक क्रियाएं होती हैं उसी का मूल्य सम्मिलित करते हैं, मतलब जिसके बदले में अर्थव्यवस्था में नया कोई उत्पादन कार्य होता है नई आय का निर्माण होता है उसी को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन जब हम निजी आय की बात करते हैं तो एक वर्ष की अवधि में निजी क्षेत्र को समस्त स्रोतों से मिलने वाली आय को सम्मिलित करते हैं। समस्त स्रोत का मतलब उत्पादक के साथ साथ में जो हस्तांतरण भुगतान होते हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है। और ये हस्तांतरण भुगतान क्या होते हैं ऐसे भुगतान जो बिना किसी उत्पादन में योगदान के बदले में दिया जाता है, जिसके बदले में अर्थव्यवस्था में कोई नई आय का निर्माण नहीं होता है नया कोई उत्पादन नहीं होता है ऐसी आय को क्या कहा जाता है ऐसे भुगतानों को क्या कहा जाता है हस्तांतरण भुगतान। जैसे स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति मिल गई है, जो लोग बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी भत्ता मिल गया उनको। ठीक है, यहाँ सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन चुकाई जाती हैं, तो इन सबको हम क्या कहते हैं हस्तांतरण भुगतान। क्यों? क्योंकि इन भुगतानों के बदले में अर्थव्यवस्था में कोई आर्थिक क्रिया या कोई आय का निर्माण नहीं हुआ है इसलिए। तो निजी आय में हम क्या लेते हैं निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से मिलने वाली आय को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आय है उसमें से ऐसी आय जो निजी क्षेत्र को नहीं मिलती हैं उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और ऐसी आय जो लोगों को अन्य स्रोतों से मिलती हैं जो हस्तांतरण भुगतान है उनको हम प्लस कर देंगे। तो ये जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, जिस हम राष्ट्रीय निकालते हैं अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं कौन कौन से, एक तो होता है निजी क्षेत्र
और दूसरा होता है सार्वजनिक क्षेत्र। दोनों की आय राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती हैं। जब हमको निजी आय ज्ञात करनी होगी तो हम क्या करेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की आय को माइनस कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारी राष्ट्रीय आय है NNPFC, उसमें से हम सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की आय, ठीक है, जो सार्वजनिक उपक्रमों से आए हैं, जिसको हमने लिखा हुआ है PPU, ठीक है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। दूसरा, लोगों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा अंशदान के लिए जो राशि चुकाई जाती है, ठीक है, वो सरकार के पास चले जाती हैं। तो इस हिस्से में ये लोगों की निजी आय का हिस्सा नहीं होती, तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। जैसे कि बीमा हो गया, तो सामाजिक सुरक्षा अंशदान से भी आय कम होती है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इन दोनों को राष्ट्रीय आय में से घटाना है। और हमने कहा हस्तांतरण भुगतान, तो अब हस्तांतरण भुगतान कौन कौन से हो सकते हैं, सरकार और विदेशों से जो हस्तांतरण भुगतान लोगों को मिलते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट, TP लिखा हुआ, ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और दूसरा, सार्वजनिक ऋणों पर जो ब्याज मिलता है लोगों को, ठीक है, कौन चुकाती है, सरकार। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से लोगों से जो ऋण लेती है उन पर ब्याज चुकाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, IPD। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, प्लस, क्यों, क्योंकि ये निजी आय में वृद्धि करता है। तो निजी आय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा NNPFC प्लस TP प्लस IPD माइनस CSS और माइनस PPU, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा है व्यक्तिगत आय, ठीक है, व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, या इसको हम कह सकते हैं वैयक्तिक आय भी कह सकते हैं। वैयक्तिक या व्यक्तिगत आय दोनों एक ही बात है, मतलब एक वर्ष की अवधि में लोगों को, ठीक है, लोगों को जो आय मिलती है, लोगों को, या हम कह सकते हैं जो हमारा घरेलू क्षेत्र होता है, जिसको हम पारिवारिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, तो एक वर्ष की अवधि में घरेलू क्षेत्र को या लोगों को मिलने वाली आय को क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत आय, ठीक है। और इसमें भी लोगों को मिलने वाली आय कौन सी, समस्त स्रोतों से, ठीक है, सभी स्रोतों से, जिसके अंतर्गत हस्तांतरण भुगतान भी सम्मिलित होते हैं, और उत्पादक आय जो काम करके अर्जित की जा रही है उसको भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। एक वर्ष में लोगों को, परिवारों को, घरेलू क्षेत्र को मिलने वाली आय, समस्त स्रोतों से मिलने वाली आय क्या होती है, व्यक्तिगत आय। अब देखिए, ये जो निजी आय होती हैं वो सारे के सारे व्यक्तिगत आय नहीं होती हैं। अब इस निजी आय में से लोगों के पास में कौन सी आय नहीं पहुंचती है उसको हम क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो लोगों के पास में कौन सी आय नहीं पहुंचती है, एक तो नहीं पहुंचती है अवितरित लाभ, ठीक है, अवितरित निगम लाभ हम कह सकते हैं। तो जो हमारा निजी आय है उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अवितरित लाभ, ठीक है, जिसे निगम क्या करते हैं, अपने पास में फंड के रूप में रख लेते हैं, वो लोगों में नहीं बांटते। लोगों में जो बांटते हैं वो क्या होता है, लाभांश, डिविडेंड, उसको तो बांट देते हैं, लेकिन जो नहीं बांटते उसको क्या कहा जाता है, अवितरित लाभ, ठीक है। इस पर अधिकार किसका है, निजी क्षेत्र का, लेकिन ये लोगों के पास में नहीं पहुंचा है, इसलिए व्यक्तिगत आय का हिस्सा नहीं होगा। और एक, निगम को जो भी लाभ होता है तो उस लाभ के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निगम कर या निगम लाभ कर, जो किसको चुकाया जाता है, निजी क्षेत्र द्वारा सरकार को, तो ये निगम कर भी किसके पास चला जाता है, सरकार के पास में, तो लोगों के पास में नहीं पहुंचता है, इसलिए निजी आय में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, अवितरित निगम लाभ और निगम लाभ कर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, व्यक्तिगत आय। या अगर हम राष्ट्रीय आय से ज्ञात करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय आय से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, निजी आय जो ज्ञात की थी, ठीक है, जिसमें से हमने सामाजिक सुरक्षा अंशदान को माइनस किया था, हस्तांतरण भुगतानों को प्लस किया था, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज को प्लस किया था, ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, निजी आय। और फिर निजी आय में से इन दोनों को घटा देना, ठीक है। तो एक फॉर्मूला जो मैंने अभी ये बनाया है ये हो सकता है, या फिर दूसरा ये जो लिखा हुआ है वो हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है व्यक्तिगत खर्चों का आय। व्यक्तिगत खर्च वगैरह क्या होती है, ऐसी आय जो परिवारों या घरेलू क्षेत्र द्वारा खर्च की जा सकती है, या हम कहें करों का भुगतान करने के बाद में जो आय बचती है उसको क्या कहा जाता है,
व्यक्तिगत खर्च योग आय या प्रयोज्याय, मतलब लोगों के द्वारा कितनी आय प्रयोग की जा सकती हैं। तो कितनी आय प्रयोग की जा सकती हैं, जो व्यक्तिगत आय हैं उसमें से ऐसे भुगतान जो सरकार को चुकाने होते हैं उसको हम घटा देंगे। तो सरकार को क्या चुकाना पड़ता है, एक तो टैक्स प्रत्यक्ष कर जो चुकाना पड़ता है उसको हम घटा देंगे, और एक अगर कोई सरकार की कोई फीस होती है या जुर्माना होता है उसको भी हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इनको घटाने के बाद हमारे पास में क्या बचेगा, वैयक्तिक खर्च योग आय या प्रयोज्याय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, ठीक है, माइनस क्या कर दोगे, व्यक्ति कर कौन सा होता है, व्यक्तिगत आय कर होता है, प्रत्यक्ष को माइनस कर देंगे, एक और माइनस कर देंगे सार्वजनिक फीस कोई होती है, माना कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है, पासपोर्ट बनाया तो इसकी जो फीस चुकाई है, या कोई व्यक्ति जैसे अपराध करता है, ठीक है, तो उसको जुर्माना भरना पड़ता है, तो ये माइनस कर दिए जाएंगे क्योंकि ये अनिवार्य भुगतान है। इनके माइनस करने के बाद में, इनको भुगतान करने के बाद में जो शेष बचता है, ठीक है, वो लोगों के द्वारा खर्च किया जा सकता है। माना कि व्यक्ति की आय है 25,000 रुपये महीने की और इस पर 2,000 रुपये का टैक्स बनता है, तो 2,000 रुपये का टैक्स देना एक तरह से क्या होता है, जरूरी होता है। और लोगों के द्वारा यदि कोई सरकारी फीस लाइसेंस ऐसा कुछ बनाया गया है, ठीक है, तो उसकी कोई फीस चुकानी पड़ती है, ठीक है, माना कि ये कितनी है, 500 है, तो 25,000 में से ये 2,500 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाकी के बचे हुए जो 22,500 हैं उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत खर्च हो गए, मतलब लोगों के द्वारा इतनी आय खर्च की जा सकती हैं, ठीक है, और जो किसके बराबर होती हैं, उपभोग व्यय प्लस बचतों के भी बराबर होगी, ठीक है, कि जो 22,500 हम कह रहे थे, अब लोग इनमें से माना कि 20,000 उपभोग के ऊपर खर्च कर देता है और 2,500 बच जाती हैं, या हो सकता है कि ये सारे के सारे अगर वो खर्च कर सकता है, या हो सकता है कि वो ये सारे खर्च नहीं करे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये 22,500 को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत खर्च होगा, मतलब व्यक्ति के द्वारा इतनी आय खर्च की जा सकती है। अब कितनी खर्च कर रहे हैं वो उसके ऊपर निर्भर है, खर्च करें या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो खर्च करता है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि उसने कितना खर्चा किया उपभोग व्यय प्लस उसके पास में कितना बचा हुआ है, ठीक है, उस दोनों के बराबर होती है व्यक्तिगत खर्च होगा। और लास्ट हमारा है प्रति व्यक्ति आय, तो जो राष्ट्रीय आय होती हैं उसमें हम जनसंख्या का भाग देके प्रति व्यक्ति आय भी ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट हमारी है राष्ट्रीय खर्च होगा, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था के द्वारा कितनी आय खर्च की जा सकती हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था में लोगों को वस्तुओं की उपलब्धता कितनी होगी, ठीक है, उसका जो स्तर हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, NDI राष्ट्रीय खर्च होगा, ऐसे पूरे राष्ट्र के द्वारा कितनी आय खर्च की जा सकती है। तो कितनी आय खर्च की जा सकती हैं, जो राष्ट्रीय आय हैं नेशनल इनकम NNPFC उसको खर्च की जा सकती हैं। अब देखिए ये FC है इसलिए इसमें टैक्स जुड़ा हुआ नहीं है, तो जो NIT है नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर उसको भी खर्चा किया जा सकता है, और प्लस विदेशों से जो शुद्ध हस्तांतरण आय प्राप्त होती हैं, ठीक है, माना कि यहाँ पर कोई प्राकृतिक विपदा आ गई है तो दूसरे देश वालों ने अपनों को दान उपहार के रूप में कोई राशि दी है तो अपने को ये प्राप्त हुआ है, और इसी तरीके से विदेशों में कोई आपदा आ जाती है तो अपने देश द्वारा सहायता की जाती है, तो दोनों का जो शुद्ध अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, शेष विश्व से शुद्ध हस्तांतरण आय NTEW, तो इसको भी खर्च किया जा सकता है, इसलिए इसको भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में राष्ट्रीय खर्च होगा, ठीक है, पूरे राष्ट्र के द्वारा कितनी आय खर्च की जा सकती हैं, ठीक है, लोगों के द्वारा वस्तुओं का जो लोगों को उपलब्धता हो रही है वो कितनी हो रही है उसको बताती है कौन, राष्ट्रीय खर्च होगा। अब देखिए राष्ट्रीय गणना करने में जैसे बहुत सारी कठिनाई आती है कि स्वयं के रोजगार से जो आय प्राप्त होती है उसकी गणना करना कठिन होता है, फिर पुरानी वस्तुएं होती है, कुछ वस्तुएं मध्यवर्ती होती हैं, अंतरिम वस्तुएं, तो उनका मूल्यांकन करना क्या होता है, कठिन, क्योंकि एक ही वस्तु मध्यवर्ती भी हो सकती हैं और अंतिम वस्तु भी हो सकती हैं, तो उनके बीच में अंतर करना बहुत कठिन कार्य होता है।
फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में गैर कानूनी क्रिया जैसे चोरी डकैती ये होती हैं, ठीक है। आराम के लिए अवकाश गणना करना एक तरह से कठिन कार्य होता है। अंश पत्र और ऋण पत्र जो होते हैं, ठीक है, शेयर जो होते हैं वो एक तरह से क्या होती है, कागजी क्रिया होती है जिनका मूल्य राष्ट्रीय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अशिक्षा की समस्या हो सकती है, ठीक है, जिससे लोग हिसाब किताब के आंकड़े सही नहीं रखते हैं। अर्थव्यवस्था में लेन देन अगर वस्तुओं के रूप में हो रहा है तो राष्ट्रीय की गणना सही सही नहीं हो सकती है। अब देखिए राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े होते हैं उसका किसी अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व होता है, तो क्या महत्व होता है कि उससे उस देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है और उसी के अनुसार आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। फिर अर्थव्यवस्था में अगर आय का वितरण असमान है उसको समान वितरण करने में सहायता मिलती है। फिर अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय असमता किस प्रकार की उसके बारे में जानकारी मिलती है। लोगों के लिए सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती है जैसे कृषि के संबंध में हो सकती है, पशुपालन के संबंध में, तो नीतियों के निर्माण में राष्ट्रीय आय के आंकड़े उपयोगी होते हैं। फिर राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से हमें प्रति व्यक्ति आय की जानकारी प्राप्त हो सकती है और अनेक प्रकार के जो अनुसंधान होते हैं, शोध कार्य होते हैं, उनमें राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का महत्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा राष्ट्रीय आय से संबंधित चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ पढ़ेंगे।